आवाज कम कर ले इसकी, बिल्कुल कम कर लो थोड़ा सा बस। और आज हम जा रहे हैं मथुरा विजिट के लिए, मथुरा वृंदावन टूर, और बहुत ही मस्ती होने वाली है क्योंकि आज हम अकेले नहीं जा रहे, आज हम जा रहे हैं बहुत सारी पार्टी को लेके विद फैमिली। और देखो कितने सारे लोग हैं आज हमारे साथ, और सब लोग हाय करेंगे जिन जिनको यूट्यूब पे वीडियो चाहिए। और जूते कौन लेके आया, नया हमारे लिए एक जूते लेके आए हैं, जूते स्पेशल। और काव्या बताएंगी हमें आज थोड़ा सा, काव्या कहाँ जा रहे हैं आप? मथुरा। और काव्या एकदम खुश है, और किट्टू भी जा रही है, किट्टू हाय करो। और आगरा से गुजरते हुए अगर देवी राम के फेमस समोसे कचौड़ी नहीं खाए तो फिर यात्रा अधूरी है। और हम आ चुके हैं देवी राम पे, भैया हमारे साथ हैं, और यहाँ के किसी समोसे खाए बगैर जाना मथुरा बिल्कुल बेकार है, तो हम आए हैं। इनके समोसे इतने फेमस हैं कि 20 से 30,000 समोसे पर डे इनकी बिक्री होती है। धौलपुर से मथुरा 3 घंटे का सफर है, लेकिन आप बीच में अगर ब्रेक लेते हैं और थोड़ा आराम से जाते हैं तो 4 घंटे लगेंगे। हमने देवी राम के समोसे भी खाए और थोड़ा से आनंद लिया, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है जैसे आप देख सकते हैं, तो 3 से 4 घंटे लग गए और हम पहुंच गए। ये है चटिकना रोड, जहां पे इस रोड पे ही प्रेम मंदिर, बाकी बिहारी, वैष्णो देवी, बाकी लोटस टेम्पल, ये सारे मंदिर हैं। और वैसे तो आप वृंदावन मथुरा कभी भी घूमने जा सकते हैं, मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के पावन अवसर पर जब आप जाएंगे तो आपको एक अलग ही आनंद आएगा। कृष्ण जी के जो दर्शन जन्माष्टमी के मौके पर होंगे, जो मार्केट में सजावट होती है, जो चीज़ें आपको देखने मिलती हैं, वो अद्भुत नज़ारा आपको और किसी दिन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ पे हर जगह श्री कृष्ण के मंदिर हैं, तो जन्माष्टमी का मौका एक अद्भुत मौका है और एक पावन अवसर है। तो हम पहुँच चुके थे वृंदावन में, और पहले हमारा जो पहले जो काम करना था वो था चेक इन, क्योंकि हमने एक धर्मशाला बुक कराई थी जिसका नाम है नया रंगजी आश्रम, और नया रंगजी के नाम से ही मंदिर है लेकिन उसको ओल्ड बोलते हैं, और ये दूसरा जो मंदिर है वो बिल्कुल उसकी कॉपी से भी बेहतर है, एक तरह से आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर रुकने का आनंद बहुत ही अलग था हमारे लिए, तो इसीलिए चलिए आपको मैं दिखाता हूँ नया रंगजी आश्रम, जो कि एक होटल है और मंदिर भी है साथ में, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये बाहर से मंदिर दिखता है लेकिन अंदर जाके यहाँ पे स्टे करने के लिए बहुत ही बड़ी धर्मशाला बनाई गई है, तो आप वहाँ पे आराम से रुक सकते हैं। फ्रेंड्स, हम धौलपुर से स्टार्ट होकर अब मथुरा आ गए हैं, वृंदावन कहना चाहिए, और अभी इवनिंग के 6 o'clock बजे हैं, और अभी हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये हमारी धर्मशाला है जिसका नाम है श्री रंगजी महाराज, और ये काफ़ी अच्छी है। हमने यहाँ पे ना आप देख सकते हो कितना प्यारा यहाँ पे गार्डन है, और उधर की साइड में रिसेप्शन है, और वहाँ पे अगर हम दिखाएंगे अभी आपको ले जाके, उधर ये मंदिर है एक तरह से, जब आप आएंगे तो आपको बाहर से एकदम मंदिर दिखाई देगा, आपको लगेगा कोई मंदिर में आए हैं, लेकिन अंदर फिर इनमें रूम है और एसी रूम है, ये हमारे एसी रूम है, और इसमें सिंपल रूम भी है नीचे उधर की साइड में, और बहुत ही प्यारा एकदम शांत माहौल है। हालांकि जन्माष्टमी कल है और पूरा एकदम क्राउड हो रहा है बाहर, पर यहाँ पे एकदम शांति है, एकदम देखिए पूरा एकदम प्यार शानदार, एकदम फाउंटेन अभी चालू नहीं है शायद, लेकिन यहाँ से एकदम प्यारा लुक दिख रहा है। ये टेम्पल है, और अब आपको दिखाते हैं इस धर्मशाला में जो टेम्पल है नया रंगजी का, उसका व्यू, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा पेंटिंग किया गया है और कितना सुंदर ये दिखाई देता है। अगर सपोज आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, टाइम कम है, तो कम से कम आपका एक मंदिर का दर्शन तो यहाँ पक्का है, जो है नया रंग जी का। और दूसरी बात, यहाँ पे जो रूम्स हैं उसमें आपको नॉन एसी एसी दोनों मिलेंगे, और अगर आप फैमिली के साथ बहुत सारे लोग जैसे 8 से 10 लोग एक साथ स्टे करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे कॉम्बो फैसिलिटी भी है, जिसमें आपको 2 डबल साइड बेड्स भी दिए जाएंगे जैसे हमने बुक कराया था। इसमें आराम से 8 से 9 लोग रह सकते हैं, और यहाँ पे पानी वानी का भी फैसिलिटी है, और उसके अलावा आपकी कार पार्किंग वो भी यहाँ पे फ्री है। और ये मंदिर का इनसाइड व्यू है, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार,
और क्लीन है एकदम। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि केवल जो मंदिर में इनसाइड के जो लोग हैं वही आ सकते हैं, तो इससे यहाँ पे कोई क्राउड नहीं है, बिल्कुल टेंपल खाली पड़ा है। हालांकि जन्माष्टमी का अवसर है क्योंकि बाहर का क्राउड अलाउड नहीं है। और इस तरह से यहाँ पे एक झूमर और इस तरह से एकदम साफ़ सफाई और कृष्ण जी के दर्शन, तो ये एक मस्ट विजिटिंग प्लेस है। और यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, बहुत ही आपको सही लगेगा और चार्जेज भी बहुत नॉमिनल है यहाँ पे। और ये यहाँ के रूम्स का इनसाइड व्यू है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। टिल देन बाय।